वेलकम एवरीवन, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स 2021 पैरामेडिकल जो 12th बेस कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो रही है उसके लिए डे 12 के लिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है। उसके बाद जो डेट है सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MSc नर्सिंग कोर्सेज, ठीक है ना, MSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए जो डेट एक्सटेंड की गई है, तो जिन्होंने भी वो फॉर्म फिल करना है उनके लिए एक ये जो है वो नोटिस इम्पॉर्टेंट आया। उसके बाद यहाँ पर जो अपडेटेड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो कैंडिडेट्स की जिन्होंने अप्लाई किया था बी फार्मेसी के लिए कोर्सेज 2021 के लिए, तो आगे जो उनके सीट्स जो अलाट होंगी उसको लेकर जो नोटिस आया था ये एक वो नोटिस वो चेक कर सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट हैं उन्होंने उनके मार्क्स शायद मेरिट लिस्ट में कम दिए गए थे, वो करेक्ट करके दोबारा से लिस्ट बनाई गई है और ये नोटिस है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी, जब जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं स्टूडेंट्स हैं जो कि नर्सिंग या पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी उनके लिए जिन्होंने एंट्रेंस दिया था उनका रिज़ल्ट आ चुका है, एक वो है। एक सेकंड राउंड यहाँ पर काउंसलिंग जो हो रही है अलाटमेंट ऑफ सीट्स बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज 2021 के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये नोटिस चेक कर सकते हैं, डेट्स चेक कर सकते हैं। प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट आई है जो नर्सिंग के लिए वो भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बीएड जम्मू के लिए कोर्सेज 2021 के लिए यहाँ पर जो रिज़ल्ट था वो भी आया था वो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूछ रहे थे कि हमारा अब मतलब सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है ना, कितनी सीट्स हैं आपके पास यहाँ पर, गवर्नमेंट सीट्स कितनी है। जैसे 800 गवर्नमेंट सीट्स हैं उसमें से 50% जनरल के लिए, सो कितनी होगी 400 जनरल के लिए, बाकी की बची हुई डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनमें परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगी सीट्स। तो अब यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स उस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उनके मेरिट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर कैटेगरी भी दी गई होगी, तो कैटेगरी में हम अगर स्टूडेंट्स को देखें जैसे सपोज़ ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स 400 सीट्स हैं, तो टॉप 400 सीट्स अगर उन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग में वो गए तो टॉप 400 जो होंगे उनको सीट मिलेगी, ठीक है। उसी तरह अगर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी में हैं तो वो फिर चेक करना पड़ेगा उनका थोड़ा ओपन मेरिट तो रैंक के हिसाब से मतलब पता चल जाता है, लेकिन कैटेगरीज का ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि उनका रैंक का डिफरेंस होगा, लेकिन वो क्योंकि बीच में ओपन मेरिट के भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं रैंक के बीच या फिर कोई और कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, इसलिए उनके रैंक में डिफरेंस देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछली बार की बात करें लास्ट ईयर अप टू 35 मार्क्स पर भी काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स गए थे, लेकिन वो बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं बल्कि दूसरे कोर्सेज के लिए। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत कम स्कोर पर भी एडमिशन मिलती है, ठीक है ना। तो वेट कीजिए सभी कैंडिडेट्स ऐसे, इस बार क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी टफ था, तो मे भी पिछले साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो है वो आपका कट ऑफ डाउन जा सकता है, ठीक है। सो हम देखेंगे कब से ये जो है वो रिज़ल्ट तो आ चुका है, अब काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है ये दूसरे कोर्सेज जो है इनकी काउंसलिंग हो रही है, तो इसके फौरन बाद जो है आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। हम आप सबसे शेयर कर देंगे, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इसके ऊपर भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे सीट्स के लिए होकर, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को कितने स्कोर पर मिल सकते हैं, आप खुद अपने अपने स्कोर देखकर पता कर सकते हैं कि हमें सीट मिल सकती है कोई या फिर कौन सा कोर्स हमें मिल सकता है या नहीं। ओके, सो गुड बाय, गुड लक।